लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कल सभी विजयी सांसदों के वेलकम फंक्शन के बाद कहा कि विधानसभा के चुनाव निर्धारित समय पर होंगे, यानी मानकर चला जाए कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। बात करें पलवल जिले की तो 2014 के चुनाव में अकेले अपने दम पर सत्ता में आई भाजपा तब जिले की 3 सीटों को हार गई थी। जिले की 2 सीटों पर कांग्रेस तो एक बार इनेलो विजयी रही थी। पलवल से पहली बार चुनाव लड़े दीपक मंगला को कांग्रेस के प्रत्याशी करण दलाल के हाथों 5000 वोटों के अंतर से शिकस्त खानी पड़ी थी। 4 बार विधायक रहकर बंसीलाल सरकार में मंत्री और हुड्डा सरकार में हरियाणा प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन रहे दलाल को चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मंगला भी 50,000 वोट लेकर जीत की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते आखिर दौर में पराजित हुए। तब 2009 के चुनाव में एनएलओ टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के करण दलाल को पटखनी देकर सुर्खियों में रहे सुभाष चौधरी 2014 के चुनाव में दलाल के हाथों पराजित होकर तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। चौधरी के पिछड़ने पर समीक्षकों का कहना कि यदि मतदाताओं को पता होता सुभाष चौधरी हार रहे हैं और दीपक मंगला काफी वोट ले रहे हैं तो वोटों का एक आंकड़ा मंगला की ओर जा सकता था, तब दलाल लगातार दूसरा चुनाव भी हार सकते थे। हार के बाद दलाल की राजनीति की पारी सिमट सकती थी, लेकिन दलाल की जीत ने उन्हें प्रदेश के गद्दावर नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आज दलाल प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार है। उधर होडल विधानसभा सीट पर 2014 में कांग्रेस के उदयभान ने जीत हासिल की। एनएलओ टिकट पर पूर्व मंत्री जगदीश नायर और भाजपा टिकट पर रामरतन चुनाव लड़े और पराजित हुए। भजनलाल सरकार के दौरान 1991 में कांग्रेस टिकट पर हसनपुर विधानसभा सीट पर विधायक चुने गए रामरतन पर भाजपा ने पिछले चुनाव में दाव खेला था, मगर दाव विफल रहा। रामरतन बुरी तरह से पिछड़ गए। एनएलओ प्रत्याशी रहे जगदीश नायर भी पार्टी के 2 फाड़ होने पर जजपा में शामिल हो चुके हैं। हतीन विधानसभा सीट पर 2014 में एनएलओ टिकट से चुनाव लड़े केहर सिंह रावत ने भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े पूर्व मंत्री हर्ष कुमार और कांग्रेस के जलेब खान को हरा दिया। जलेब खान 2009 के चुनाव में निर्दलीय जीते थे और हुड्डा सरकार को समर्थन देकर बोर्ड के चेयरमैन बने थे। पिछले चुनाव के बाद जलेब खान का इंतकाल हो चुका है। वहीं भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े हर्ष कुमार भी अब जजपा का दामन थाम चुके हैं, जबकि केहर सिंह रावत भी इनेलो को अलविदा कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब चर्चा जोरों पर है कि होडल से जगदीश नायर देर सवे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच रविवार को सुभाष चौधरी ने अपने निवास पर बैसलात और शहर के अपने मजबूत समर्थकों की बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने उन्हें एनएलओ छोड़ने और भाजपा के टिकट लाने पर जोर दिया। इस तरह एनएलओ प्रत्याशी रहे सुभाष चौधरी अब देर सवे कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पहले केहर सिंह रावत और अब चौधरी के एनएलओ छोड़ने से पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय है। हाली लोकसभा चुनाव में एनएलओ प्रत्याशी महेंद्र चौहान भी जमानत गंवा चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल में शामिल रही एनएलओ इन 5 सालों में पारिवारिक लड़ाई के बाद 2 फाड़ होकर बेहद कमजोर हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनावों में सिरसा और हिसार सीट जीतने वाली एनएलओ इन लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पूरी तरह बिखर चुकी है। ऐसी सूरत में कुछ मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक पार्टी छोड़ गए हैं तो कुछ छोड़ने को तैयार है। पलवल जिले की 3 सीटों पर यदि इनेलो के पिछले प्रत्याशी भाजपा से अपनी किस्मत आजमाने के लिए जोर आजमाइश करते हैं तो ये वाकई दिलचस्प नजारा होगा। पलवल से सतीश भूटानी के साथ वीना चौहान की खास रिपोर्ट।